दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की जीत के बाद डेविड वॉर्नर ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसने जीत लिया सभी का दिल। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया, जिसको देखकर ऑस्ट्रेलिया के महान सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर हैरान रह गए। इस बीच डेविड वॉर्नर ने भारतीय टीम की जीत के बाद सभी खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद डेविड वॉर्नर ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर क्या बयान जारी किया, ये तो हम आपको बताएंगे। तो जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, डेविड वॉर्नर और रिंकू सिंह में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का चौथा T20 मैच आज रायपुर के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारत को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम ने 174 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर बना दिए और 175 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 60 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया को 3 झटके दे दिए। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 37 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 रन का योगदान दिया। इसके अलावा रिंकू सिंह ने 46 रन का सर्वाधिक योगदान देकर भारत को जीत दिलाने का काम किया। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया, जिसमें डेविड वॉर्नर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए चौथे T20 मैच में भारतीय टीम की जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम से मजबूत थे, लेकिन वास्तव में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मैच में आसानी से जीत मिल गई। हालांकि हमारी टीम के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम के सामने भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो अपने घर पर सबसे मजबूत टीम है और उनसे बेहतरीन टीम कोई भी नहीं है। हालांकि उनके पक्ष में वर्ल्ड कप ना गया हो, लेकिन भारतीय टीम को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो ऐसा करता है, क्योंकि भारत के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी क्रम मौजूद है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ साथ बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके चलते भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह के दम पर जीत मिली है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार से टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई और साथ में रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से टीम की स्थिति को समझकर तूफानी बल्लेबाजी की है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते और तूफानी अंदाज में रन नहीं बनाते तो शायद इस मैच के अंदर भारतीय टीम को जीत नहीं मिल पाती। हालांकि गेंदबाजी में भी काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते भारतीय टीम इस कमजोर लक्ष्य को बचाने में सफल हो गई। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बताया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत के युवा गेंदबाज भी आसानी से रोक सकते हैं। ऐसे में यहां से देखा जा सकता है कि भारत T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए चौथे T20 मैच में भारत ने 20 रन से जीत हासिल की है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर भारत को 174 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जहां रिंकू सिंह ने सर्वाधिक 46 रन का योगदान दिया, तो वहीं पे गेंदबाजी में द्वारशीष ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 154 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जहां कप्तान मैथ्यू वेड ने सर्वाधिक 36 रन का नाबाद योगदान दिया, तो वहीं पे गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। ऐसे में भारत ने इस मैच में जीत के साथ सीरीज को अपने नाम कर लिया। इसके बाद भारतीय दिग्गजों का रिंकू सिंह को लेकर बयान सामने आया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 मैच में जीत मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के बाद मेरे अनुसार जीत के असली हीरो रिंकू सिंह रहने वाले हैं, क्योंकि रिंकू सिंह ने जिस प्रकार से तूफानी पारी खेली है, उसी के चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा मिला है और भारतीय टीम ने इतना मजबूत लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रख दिया और भारत इस मैच को आसानी से जीत गया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रिंकू सिंह के इस बेहतरीन प्रदर्शन का दीवाना हर कोई है। मैं चाहता हूं कि रिंकू सिंह इसी तरीके से आगे बेहतरीन बल्लेबाजी करते रहें और भारत को इसी तरीके से जबरदस्त जीत दिलाते रहें। तो वहीं पे महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि इस मैच में भारतीय टीम को
किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी क्योंकि वो अंतिम मैच में किसी भी कीमत पर निर्भर नहीं रहना चाह रहे थे। हालांकि इस मैच में रिंकू सिंह ने एक बार फिर से बता दिया कि उनसे बेहतरीन खिलाड़ी इस समय भारत के पास कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि रिंकू सिंह की आज की बैटिंग मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई क्योंकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम को जब उनकी सख्त जरूरत थी उन्होंने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बजाय सभी का दिल जीत लिया और यही इनकी खासियत है कि कैसे बड़ा खिलाड़ी समय पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो वहीं पे गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को रिंकू सिंह के रूप में एक बेहतरीन खिलाड़ी मिल चुका है। रिंकू सिंह दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी लेकिन जिस प्रकार से रिंकू सिंह भारतीय टीम की जरूरत को पूरा कर रहे हैं उसके लिए तो उनकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि आज के मैच में भी रिंकू सिंह का अगर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है तो उसके पीछे उनकी लगातार कई वर्षों की मेहनत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए रिंकू सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाने वाले हैं। उनसे बेहतर खिलाड़ी इस समय भारतीय टीम के पास कोई और नहीं है। तो वहीं पे सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारत को रिंकू सिंह के रूप में सबसे महान खिलाड़ी मिल चुका है। रिंकू सिंह के अंदर मुझे महेंद्र सिंह धोनी वाली काबिलियत दिखाई देती है क्योंकि जिस प्रकार से रिंकू सिंह समय के अनुसार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तूफानी बल्लेबाजी कर जीत दिला रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उनके जैसा हुनर काफी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि मेरे अनुसार रिंकू सिंह से बेहतरीन बल्लेबाज भारतीय टीम की इस सीरीज में कोई नहीं था क्योंकि रिंकू सिंह जब जब टीम को आवश्यकता पड़ी है तब तब बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और यही एक बेहतरीन बल्लेबाज की सबसे बड़ी निशानी भी होती है जो रिंकू सिंह के अंदर देखने को मिली। 200 वर्ल्ड कप 2023 के बाद पहली बार ना आज भारतीय फैंस ने चैन की सांस ली है। वर्ल्ड कप 2023 से जिस टीम से हारे थे आज उसी टीम को अपने घर में हराकर बिना बड़े खिलाड़ियों के सूर्य कुमार यादव ने मिसाल कायम कर ली है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मैचों के T20 सीरीज के पहले 2 मैच हम भले ही जीत गए लेकिन तीसरे को बुरी तरीके से हारे भी थे और उसका फैसला आज होना ही था। चौथे मैच को जीतने के लिए भारत ने पुरजोर कोशिश कर डाली। एशिया के सबसे बड़ी बाउंड्री वाले मैदान में यह मुकाबला था, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। दोस्तों जैसे ही मैच शुरू होता है हमें बल्लेबाजी की पेशकश मिलती है और भारतीय क्रिकेट टीम घबराती भी नहीं। आते ही जायसवाल का तूफान देखने को मिलता है और दोस्तों जायसवाल 28 गेंदों में 37 लगाते हैं तो 28 में 32 लगाते हैं गायकवाड़। और जाते जाते दोस्तों रिंकू सिंह क्या गजब की पारी खेल के जाते हैं। 29 गेंदों में 4 चौके 2 छक्के लगाकर ये खिलाड़ी 46 रन बनाता है तो वहीं जितेश शर्मा 35 रन 19 गेंदों के अंदर। कुल मिलाकर 174 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हैं और 175 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास बड़े खिलाड़ी नहीं थे इस मैच में लेकिन ये टीम कुछ भी कर सकती है इस बात से हर कोई वाकिफ है और इन्होंने तो जीत की सारी तैयारियां भी कर ली थी। तो दोस्तों इस टीम के ना 4 ओवर में 40 रन हो चुके थे। अकेले ट्रेविस हेड अपनी टीम के लिए 16 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 31 रन बना चुके थे लेकिन फिर अक्षर पटेल ने ना सिर्फ इनकी बोलती बंद करी बल्कि बेन और एरन नाम के खिलाड़ी का भी विकेट लिया। उधर दोस्तों दीपक चहर ने टिम डेविड और मैथ्यू शॉट को आउट किया और रवि बिश्नोई के नाम भी कई विकेट दर्ज हुए। कुल मिलाकर हमने ऑस्ट्रेलिया को 154 पर रोका और मैच को जीता 20 रन के अंतर से। लेकिन दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने वो खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। हम अक्षर पटेल की बात कर रहे हैं दोस्तों जिनके नाम इस मुकाबले में 3 विकेट दर्ज हुए। लेकिन दोस्तों अक्षर का बड़प्पन तो देखिए, जाते जाते ये अपना अवार्ड रिंकू के नाम कर गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जीत के बाद अक्षर पटेल ने अपने बयान में कहा, ये जीत सबके लिए बेहद खास है, केवल भारतीय खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों भारत देशवासियों के लिए जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमें हारता हुआ देखा लेकिन फिर भी हमें समर्थन करते रहे। हमारे सच्चे भारतीय फैंस को ये जीत समर्पित करना चाहते हैं हम, क्योंकि जानते हैं कि वर्ल्ड कप की हार से किस तरीके से सब बुरी तरीके से आहत हो चुके थे। लेकिन मैं इस बात का श्रेय हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उम्दा तरीके से उन्होंने कप्तानी करी, भारतीय क्रिकेट टीम को संभाल कर रखा, बिना रोहित और कोहली के भी जिता दिया, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितनी ज्यादा खूबी है। और ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता, ये तो रिंकू सिंह को मिलना चाहिए क्योंकि उस खिलाड़ी ने केवल इस मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बल्कि थ्रू आउट द सीरीज भारत को जिताने में जो रोल उन्होंने अदा किया है ना, वो शायद मैंने भी नहीं किया और शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतने रन उतने अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कोई भी नहीं कर पाया है। तो ये अवार्ड मुझसे बहुत हद तक ज्यादा वो डिजर्व करते हैं। अब अगला मुकाबला भी जीतना है और साउथ अफ्रीका जाके वहां की भी T20 सीरीज को जीतना है अपने भारत देशवासियों के लिए। 200 अक्षर का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है।